उस पल एक कहानी गुजरी, अपना किस्सा ढूंढ रही थी। चर्राते दरवाजों में से कदम नापती घूम रही थी। सर्द हवाएं बहती थी तो पेड़ भी बातें करते थे। दिन भर सुस्ता करके जंगल रात रात भर जगते थे। जब तक सूरज का उजला था कहीं नजर में ना आया, जब रात चांद का बुझा दिया किस्सा जुगनू सा चमकाया। मेरे प्यारे कहानी सुनने वालों, आओ सुने गहरे सन्नाटों में दिल की धड़कन की तरह कभी धीरे और कभी तेज धड़कता हुआ वक्त के समंदर की लहरों से निकला हुआ आज का किस्सा। किस्सा कहने का ही नहीं सुनने का भी तरीका रखना। बात अगर मन में कोई आए तो कहने का सलीका रखना। कुछ लोग कहते हैं हमें सच्ची कहानी सुननी है, यानी जो सच भी हो और कहानी भी। कहानी जो हमें डर से दहला भी दे और जितना हो सके एक सुखद अंत हो, यानी हैप्पी एंडिंग। कोई ऐसे किरदार जो मौत को छूकर लौट आए पर मरे नहीं। कुल मिलाकर बड़ी साइंटिफिक, इंश्योर्ड और लॉजिकल कहानी हो। और ये फैसला हम करेंगे कि क्या फेक है और क्या रियल, क्योंकि हम सबसे स्मार्ट हैं। आज कहानियां किस्से सुनने सुनाने में वो मजा कहां जो बचपन में होता था। सुनने वाला अपनी एक दुनिया खुद गढ़ लेता था। दूध वाले और परचून की दुकान वाले के अलावा मिलावट का शक किसी पर नहीं होता था। किस्सा चाहे दादी का हो या नानी का, उस पर कोई सवाल नहीं होता था। एक भरोसा था कि कोई कह रहा है तो हुआ ही होगा। कोई ताला या बंदिश नहीं थी सोच पर। किसी कहानी का गला लॉजिक की तलवार से काटा नहीं जाता था। पर आज हर सोच 100 तालों में कैद है, जिनमें से किसी की कोई चाबी नहीं है हमारे पास। हम तो शायद ये भी नहीं जानते कि हमारी सोच आजाद है या हमारी ही गुलाम है। हम कोई ऐसे वैसे आम आदमी नहीं भैया, हम तो लॉजिक खाते हैं, लॉजिक पीते हैं और लॉजिक ही निकाल देते हैं। फिर हर बात पर कमेंट देना और जजमेंट देना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सलाह और फैसला देने में देर ही कितनी लगती है। और सलाहों और फैसलों का ये हाल है कि किसी के दिमाग को आराम नहीं, न ही देने वालों के और न ही लेने वालों के। कितना कहो कि कचरा सिर्फ कूड़ेदानों में डालो, पर फिर भी आज कचरा सड़कों पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमागों से लेकर पूरे सोशल मीडिया पर बिखरा पड़ा है। अब सोशल मीडिया के लिए तो कोई म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं है कि सुबह आकर हमारा कोई भाई उसे साफ कर जाए। वो तो खुद ही हटाना होगा, धोना पड़ेगा। जितनी जल्दी धो लें अच्छा है, वरना जैसे प्लास्टिक की थैलियां और एल्यूमिनियम की फाइलें हजारों सालों तक धरती का वातावरण गंदा करेंगी, वैसे ही हमारे भद्दे कॉमेंट और गालियां आने वाली पुश्तों का दिमाग। कहानी कहो तो एक बच्चे की तरह और सुनो तो एक बच्चे की तरह। छोड़ दो अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को आजाद बहने दो, उड़ने दो, महकने दो, और फिर होगा जादू। वो जादू जो हमारी और तुम्हारी कल्पना के कहीं परे है, क्योंकि जो कल्पना के परे है वही डर पैदा करता है। बिस्तर की सिलवटों से लहराते पर्दों के बीच जो बस हमें हल्का सा छूकर रोंगटे खड़े कर जाता है, वो सच है या झूठ मैं नहीं जानता। खुली आंखों का ख्वाब है या बंद आंखों की हकीकत मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोग इत्तफाक में मानते हैं और कुछ किस्मत में। कुछ ऊपर वाले को बिना देखे मानते हैं तो कुछ सामने दिखने वाले पर भी भरोसा नहीं करते। चॉइस आपकी है, मेरी नहीं, क्योंकि मुझे कहानियां हर जगह मिलती हैं, दफ्तरों में, घरों में, गली मोहल्लों में,
बड़ी सोसाइटीज में, सड़कों पर, वीरानों में तुम्हारी कही हुई, उसकी सुनी हुई किस्से जो सिर्फ इंसान ही नहीं कहते, कहती हैं बंद दीवारें भी, कहते हैं बरसों से किसी दरवाजे पर लटके ताले, कहती हैं पुराने घरों के बाहर खड़ी पुरानी गाड़ियां, और कहती हैं मुझसे बात करने वाली रूहें, रात के उजाले और दिन के अंधेरे भी। कुछ देर दिमाग का शोर रोकोगे तो शायद तुम भी अपने आसपास भटक रही कहानियों से मिल पाओगे, जान पाओगे कि कैसे हर इंसान में बुढ़ापा, बचपन और जवानी जिंदा रहती है, कैसे फूलों के खत्म हो जाने पर भी उनकी महक एक छोटी सी कांच की शीशी में जिंदा रहती है, कैसे जागने के बाद भी सपना किसी कांच की शीशी सा फूट भी जाए तो उसकी महक हमारे ख्यालों में जिंदा रहती है, और कैसे हर किरदार के मर जाने, गुजर जाने के बाद भी किस्सा जिंदा रहता है, क्योंकि किस्सा कभी नहीं मरता, वो बस छुपा रहता है। उन छुपे किस्से को कुरेद कुरेद कर ढूंढ निकालना ही मेरा काम है। आइए सुनते हैं आज का किस्सा। क्या बात कर रहे हो मियां? क्या चलती ट्रेन में भी ऐसा हो सकता है? मुकुंद ने रफीक से बड़ी ही हैरानी से पूछा। हां मुकुंद भाई, कोई माने या ना माने, जिन जिन्नातों, चुड़ैलों, डायनों और काले जादू में कई ऐसी ताकतें हैं जो चलती ट्रेन को भी मौत का फरमान बना सकती हैं। मेरे गांव के आसपास कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिन्हें सुनकर खौफ से खून जम जाता है, और अभी तुम और मैं यहां बैठकर इस बारे में बात कर रहे हैं तो उस बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैसे तो कई सुने सुनाए किस्से हैं जो इस डरावनी रेल के बारे में मशहूर हैं, पर एक वाकया है जो हमारे साथ पेश आया था, उसे सोचकर आज भी बदन में बिजली सी दौड़ जाती है। आखिर हुआ क्या था रफीक भाई? भाई मुकुंद, दरअसल अब्बू हमारे बहुत चाहते थे कि हमारी बहन अच्छे से पढ़ जाए और हो सके तो वकालत करे। अब कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत लोग उनके इस फैसले के खिलाफ भी थे। कोई बड़ी बात नहीं है किसी के ख्वाबों के परिंदों के पर कतरना। अब सड़क के किनारे सोने वाले भी चांद पर तो थूक ही सकते हैं ना, फिर भले ही वो दोगुनी तेजी से आकर वापस मुंह पर क्यों ना गिरे। पर मेरे अब्बू किसी से डरे या किसी के बहकावे में आए ऐसे नहीं थे। थे मतलब अब हमारे सर पर उनका साया नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे अब्बू के चट्टान जैसे इरादे समाज के धकियानूसी तूफान से टकराने को काफी थे। और हमारी बहन नफीसा भी कम कहां थी। एक बार अब्बू ने उसे आसमान का पता दे दिया तो वो भी एक लंबी उड़ान भरे बिना लौटने वाली कहां थी। अब इरादों को इरादों की महक लगती है मियां। अब्बू ने नफीसा को गांव से निकालकर लड़कियों के एक हॉस्टल में दाखिल कराने का सोच लिया था। अब्बू कहते थे कि बंद दिमागों की चाबियां तालीम की किताबों में ही छुपी हैं, मेरे बच्चों जाकर ढूंढ लाओ। और हम और अब्बू नफीसा को लेकर मॉडर्न गर्ल्स हॉस्टल के लिए निकल पड़े। हॉस्टल के लिए रात भर का ट्रेन का सफर तय करना था। ठीक 9 बजे ही घर से खाना पैक करवाकर हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। अब्बू थोड़े उदास से थे। नफीसा ने समझाया कि शादी नहीं हो रही अब्बू मेरी, बस पढ़ाई खत्म कर वापस आ जाऊंगी। तो अब्बू ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे जाने से दुखी नहीं हूं, बल्कि इस बात से दुखी हूं कि आज भी हमारे कई बच्चे तालीम से महरूम हैं। जाने कब हम तालीम की जरूरत को तवज्जो देंगे और तुम्हारी तरह सबकी बेटियां और बेटे पढ़ाई के लिए किताबें खोलेंगे। उनकी बात सुन नफीसा और मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया था। नफीसा ऐसे अब्बू पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वकील बनकर वो सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि किसी और की मदद भी कर सकती थी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई।
ट्रेन में अपनी बर्थ लेकर हम जम गए। ऊपर की बर्थ पर नफीसा थी और नीचे खिड़की वाली बर्थ के पास हम और अब्बू। ऊपर की चौथी बर्थ अभी खाली ही थी। खैर, टिकट चेकर आया और टिकट चेक करने के लिए हमसे टिकट मांगा। टिकट एक शहर मराखा के लिए थे। कहाँ जाओगे मराखा में? बस स्टेशन पर ही उतरेंगे भाई साहब, ट्रेन तो स्टेशन से आगे जाएगी नहीं ना। वैसे आप चाहें तो हमें मॉडर्न गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दीजिएगा, हम वहां उतर जाएंगे, हमने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। टीसी ने या तो चुटकुला समझा नहीं या उसका मूड खराब था, समझ नहीं आया, बस बुरा सा मुंह बनाकर बोला, वापसी रात की ट्रेन मत लेना वहां से, जहां जाओ रात वहीं रुक जाना। पर क्यों भाई साहब? अब्बू ने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और टिकटों पर पेन से अपने साइन बनाकर चला गया। आखिर कुछ 15-20 मिनट बाद ट्रेन ने हमारा स्टेशन छोड़ा और हमने राहत की सांस ली। हम तीनों ने घर से लाया खाने का डिब्बा खोला और खाने के साथ साथ ट्रेन की खिड़की से दिखते नज़ारे का मजा लेने लगे। कभी धीमे कभी तेज, पर अंधेरे में भी बाहर से झांकते पेड़, मध्यम रोशनियां, खेत, सड़कें, खलिहान, सब कुछ हल्के गहरे काले रंग में सिमटा सा था। दिन में दिखने वाला नीला आसमान, हरे खेत, रंग बिरंगे घर, सब किसी जादूगर ने काले रंगों में पोत दिए थे, पर फिर भी सब के सब अलग अलग दिख रहे थे। क्या कुदरत है, बेमिसाल। हर पहर के साथ हर चीज रंग बदल लेती है, पर हमारे दिमागों की फिजूल की मचमच हमें कुछ देखने ही नहीं देती। मैं अभी अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी नफीसा की आवाज गूंजी, अबू वो देखो। कहां? अबू ने पूछा। वो वहां पीछे एक बड़ी सी औरत थी, दिखने में एकदम लंबी, लंबे सफेद बाल, चमकती आंखें। जब तक मैं उसे देख रही थी वो मुझे ही घूर रही थी। लो बज गए 9:45 और हो गई हमारी बहन पागल। अब वो ये लिख के रख लो, 9:45 बजे बहन को पागलपन का दौरा पड़ता है। पागलों वाली बात मत करो रफीक, बड़ी बहन से क्या ऐसे पेश आते हैं? अब्बू ने डांटते हुए हमें चुप करवा दिया। अभी इस बात को कुछ 5 ही मिनट हुए होंगे कि फिर नफीसा चिल्लाई, अब्बू वो देखो, वो उसकी बात कर रही थी मैं, वो देखो और थोड़ी पास आ गई है। अब्बू और मैंने तपाक से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं धीरे से बोला, 9:45। और जवाब में नफीसा ने मेरे सर पर कसकर एक तमाचा लगा दिया। कुछ देर बाद हम सब ने अपनी अपनी बर्थ का रुख किया और जल्दी ही सोने की कोशिश करने लगे। किसी झूले की तरह ट्रेन के झटके और खिड़की से आती बाहर की ठंडी हवा ने जल्द ही अब्बू और शायद नफीसा दोनों को सुला दिया था। मैं भी नींद के हल्के झोंके ले ही रहा था, पर बीच बीच में बाहर से कोई अजीब सी धुन आती हुई सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में मुझे लगा कि मेरे होश खो रहे हैं। रात के कुछ 2:45 होंगे जब किसी के आवाज देने से नफीसा की नींद खुली। सामने एक लंबा चौड़ा टिकट चेकर खड़ा था। टिकट निकाल लड़की, उसकी अजीब सी आवाज गूंजी, साथ ही वो कोई अजीब सी सीटी बजा रहा था। बहुत हल्की सी रोशनी होने के कारण उसका चेहरा नफीसा को ठीक से दिख नहीं रहा था। वो बहुत घबरा गई और चिल्लाई, अब्बू रफीक। जवाब में उसी टिकट चेकर की भद्दी आवाज गूंजी, वो यहां नहीं है लड़की। क्या वो यहां नहीं है? पर टिकट तो उन्हीं के पास है। एक पल को सन्नाटा हो गया। पटरी पर भागती ट्रेन की सीटी अपनी तीखी आवाज से दूर दूर की वीरानी को चीर रही थी और नफीसा के दिल की धड़कन चलती ट्रेन की धड़कन से ताल मिला रही थी। सन्नाटे में उस टिकट चेकर की आवाज
और भयावनी लग रही थी और साथ ही साथ नफीसा पर अजीब सी बेहोशी और कमजोरी छा रही थी। वो टिकट चेकर नीचे मुंह कर कुछ लिखता रहा, पर हैरानी की बात थी उसका चेहरा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। काफी देर वो ऐसे ही कुछ लिखता रहा, फिर वो धीरे से मुड़ा और डिब्बे का एक चक्कर लगाकर वापस आ गया और उसी डरावनी आवाज में बोला, ये डिब्बा तो बिल्कुल खाली है, कहाँ है सब? जी क्या कह रहे हैं याला? नफीसा घबराई सी बोली, बकवास मत कर लड़की, टिकट दिखा, तू झूठ बोल रही है। और इसके साथ ही उस टिकट चेकर ने अपनी गर्दन उठाई, जिसे देखते ही नफीसा का दिल धक से रह गया। उस टिकट चेकर का चेहरा हूबहू उस सफेद औरत से मिलता था जो नफीसा ने कुछ देर पहले बाहर देखी थी। लंबे लंबे सफेद बाल और उसकी आंखें हल्की रोशनी में पुरजोर चमक रही थी। वो ऐसे चमक रही थी कि लगा एक पल को पूरे डिब्बे में अंधेरा हो गया है, यानी ये कोई टिकट चेकर नहीं बल्कि वो औरत ही थी जो उसका भेस लेकर डिब्बे में घुस आई थी। आप कौन हैं? यहां कैसे आई? अब तक उसका पूरा रूप बदल चुका था। उसने अपने दोनों सफेद चमकते हाथ नफीसा की ओर बढ़ाए और उसे खींच कर नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। नफीसा बुरी तरह चिल्ला रही थी, पर उसके खौफ ज़दा होने से नफीसा के गले से कोई आवाज नहीं फूट रही थी। उसकी आंखें डर से फटी थीं और हलक सूख चुका था। वो खौफनाक औरत अभी भी वही भयानक सीटी बजा रही थी, साथ ही उसके सफेद हाथ उस धुन का साथ देते देते हवा में लहरा रहे थे। नफीसा दुबक कर खिड़की के पास घुसकर बैठ तो गई, पर अभी भी बुरी तरह कांप रही थी। बड़ी हिम्मत कर उसने पूछा, आप यहां कैसे आई? मुझसे क्या काम है? इतने में वो और जोर से हंसते हंसते नाचने लगी और पल भर में ही उस डिब्बे से गायब हो गई। एक पल बाद ही नफीसा ने देखा तो वो खिड़की के बाहर हवा में ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, फिर बाहर से गायब होकर वापस अंदर चमकने लगी। अंदर बाहर, अंदर बाहर, देख मैं कहीं भी आ जा सकती हूं। इसके साथ ही उसके पैर लंबे हुए और वो ऊपर की बर्थ पर बैठ गई। ऊपर बैठते ही उसके पैर वापस सिकुड़ गए और अब वो ट्रेन के डिब्बे की छत से उल्टी लटकी नफीसा को घूर रही थी। नफीसा को काटो तो खून नहीं, उसके खून का कतरा कतरा जम चुका था। सर से पांव तक बदन में जैसे चीटियां काट रही थी। तभी सामने से छत पर चलते चलते ही एक और चुड़ैल पहली वाली के साथ आकर उल्टी लटक गई और दोनों भयानक आवाज में उल्टी लटकी सीटी बजाने लगी। नफीसा का डर अब हद के पार हो चुका था। उसके गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली जो उस चलती ट्रेन के शोर में भी साफ साफ सुनाई दी। उसके चीखते ही दोनों चुड़ैलें वहां से गायब हो गईं। अब्बू और रफीक भागते हुए वापस आए और उनके साथ उस डिब्बे के सारे लोग भी थे। क्या हुआ बेटी? अब्बू ने घबराते हुए पूछा। वो वही औरत जो हमने बाहर देखी थी ना अब्बू, वही अंदर चली आई थी। जाने कैसे हमने जब चीखा तो यहां से गायब हो गई। वो दो थी अब्बू, आप और रफीक और ये सब लोग कहां थे? नफीसा ने घबराते हुए पूछा। अरे बेटी, यहां साथ के डिब्बे से एक भयानक चीख आई थी, क्या माजरा है ये देखने हम वहां चले गए थे।
वहां भी एक लड़की के साथ ऐसा ही एक वाकया पेश आया था, तो इस गहमा गहमी में हम भी जल्दी में घबरा कर देखने पूछने ही गए थे, पर क्या मालूम था यहां तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये सारा शोर सुनकर किसी ने डिब्बे की चेन खींच दी, ट्रेन रोकी गई, पर इसके बाद भी टिकट चेकर या रेलवे का कोई कर्मचारी वहां नहीं आया। कुछ 5-10 मिनट ट्रेन वहीं रुकी रही। कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरे कि देखें माजरा क्या है। कुछ गिने चुने ही थे, ज्यादातर या तो सो रहे थे या डरे बैठे थे। हमने खिड़की से बाहर झांका तो हमें भी कुछ दिखा नहीं, बस किसी मीलों लंबे अजगर के कंकाल की हड्डी की तरह दूर दूर तक फैली साथ वाली रेल की पटरी दिख रही थी। खैर, घबराई परेशान नफीसा को हमने पानी पिलाया और अब्बू ने हमें ऊपर की बर्थ पर जाकर लेटने का फरमान जारी कर दिया। कुछ देर बाद इंजन की सीटी बजी और नीचे उतरे सारे मुसाफिर घर लौटते परिंदों की तरह वापस ट्रेन में लौट पड़े। ट्रेन ने एक झटका लिया और किसी सांप की तरह पटरी पर फिर रेंगनी शुरू हो गई। कोई खतरनाक मसला लगता है, मैंने मन ही मन सोचा। ऊपर की बर्थ पर लेटे हुए बोरियत सी महसूस हो रही थी और इस खतरनाक वाकये के बारे में सुनकर डर के मारे मेरी पलकों ने बंद होने से मना कर दिया था। कुछ देर गुजरी होगी, अब हमारी भी हल्की सी आंख लग गई थी, पर कुछ देर बाद स्टील के बर्तनों की खड़खड़ाहट से हमारी नींद टूटी, जैसे शायद किसी ने स्टील का टिफिन खोला था। अब ये रात के 3 बजे किसे भूख लगी है? हैरान परेशान हूं, मैंने आंख खोली ही थी कि मैं वहीं लेटे लेटे बुत बन गया। सामने की बर्थ पर अपने लंबे पैर लटकाए एक भयानक सफेद औरत हमारे घर से लाया हुआ टिफिन खोल कर चाट रही थी। खुदा खैर करे, आखिर ये क्या बला है? जाने अंदर मेरे किस शैतान का भूत घुसा, मैं वहां बर्थ से सीधा नीचे कूदा और डिब्बे के बाहर भाग लिया। रात के 3 बजे मेरे कूदने और भागने की आवाज पटरी पर सरसराती ट्रेन के झटकों में दबकर रह गई होगी। भागकर मैं डिब्बे के दरवाजे के पास पहुंचा और घबरा कर ट्रेन के टॉयलेट में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरे हाथ और टांगे बुरी तरह कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। साथ ही किसी ने जोर जोर से टॉयलेट का दरवाजा बुरी तरह बजाना शुरू कर दिया था। मैं बुरी तरह चीख रहा था, पर ट्रेन अपनी पूरी गति पकड़ चुकी थी। बाहर कोई इंसान है या वही चुड़ैल, ये पता लगाना बेहद मुश्किल था। तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। मैंने कसकर हैंडल पकड़ दरवाजे को खुलने से रोकने की कोशिश की, पर उतने जोर से किसी इंसान का लड़ पाना शायद नामुमकिन था। इस जद्दोजहद से मेरे हाथ बुरी तरह छिल चुके थे। मजबूरन मेरे हाथ की पकड़ ढीली हो गई और धड़ाक से वो दरवाजा खुल गया और मेरे पैरों पर इतनी जोर से लगा कि दर्द से बिलबिलाता मैं सीधा बाहर डिब्बे के दोनों दरवाजों के बीच आ गिरा। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। एक पल को लगा कि सीधा किसी भयानक अजगर के पेट में जा पड़ा हूं। पैर के दर्द से मेरा बुरा हाल था। कुछ देर तक पैर को मसलने के बाद जब उठने की हालत हुई तो देखा डिब्बे के खुले दरवाजे पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। एक तरफ से दिखता उसका चेहरा बहुत ही हसीन लग रहा था। मैं ट्रेन के फर्श पर पड़ा उठने की कोशिश कर ही रहा था कि वो बिना मेरी ओर देखे उठी और उसी टॉयलेट में जा घुसी जहां मैं बैठा था, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने चीख कर उसे रोकने की कोशिश की, पर शायद
कोई फायदा नहीं होता। न ट्रेन सुनने देने के मूड में थी और न ही वो लड़की सुनने के। कुछ देर बाद मैं थोड़ी हिम्मत कर वहीं ट्रेन के फर्श पर बैठ गया। शायद इस सब में कोई आधा घंटा बीत गया था। मैं हैरान था कि आखिर वो लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। मैंने उठकर टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया। पर एक पल बाद ही उस टॉयलेट के दरवाजे का हैंडल घूमता हुआ सा महसूस हुआ और एक बार फिर धड़ाक से दरवाजा सपाट खुल गया, पर टॉयलेट के अंदर कोई नहीं था। डर से मुझे चक्कर आ गया था। मैं वापस डिब्बे की ओर भागने को पलटा तो ट्रेन की छत की ओर कुछ सफेद सा चमक रहा था। देखा तो वही लड़की आराम से छत पर उल्टी ऐसे लेटी थी जैसे कोई अपने बिस्तर पर। मुझे उसकी ओर देखता देख वो छत से ही रेंगती हुई ट्रेन के दरवाजे के बाहर तैर गई। मैं वहीं अपने होश खो बैठा। सुबह कोई 5 बजे मैंने देखा तो अब्बू, नफीसा वो टिकट चेकर और ट्रेन का एक और कर्मचारी मेरे आसपास बैठे मुझ पर पानी छिड़क रहे थे। मैंने अपने साथ गुजरा वाकया उन्हें बताया तो उस टिकट चेकर के चेहरे पर कोई हरकत नहीं हुई। उसका चेहरा देख मेरे अब्बू बुरी तरह झल्लाए। ये क्या पागलपन है साहब, क्या आपने लड़के की बात नहीं सुनी? और रात चेन खींचने के बाद भी आपकी ट्रेन का कोई नुमाइंदा हाजिर नहीं हुआ, ये माजरा क्या है? जरूर आप लोगों को कोई वहम हुआ है, उसने टका सा जवाब दिया और जाने लगा। पर तब अब्बू ने उसे नफीसा और साथ वाले डब्बे में किसी और लड़की के साथ गुजरे हादसे के बारे में बताया तो वो बोला, भाई साहब आप और आपके बच्चे जिंदा हैं बस शुक्र मनाइए। हम तो पेट पालने के लिए रोज जान खतरे में डालते हैं। हर रात 10-11 बजे के बाद ये बेखौफ पूरी ट्रेन में घूमती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस ट्रेन पर इंसानों का नहीं इन्हीं चुड़ैलों का राज है। किसी कमीने ने अपनी बीवी और शादी लायक बेटी को रात के सफर में चलती ट्रेन से धक्का दे दिया या कोई औरत और लड़की एक साथ ट्रेन से कूद गई नहीं मालूम, पर दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी क्योंकि दोनों बिना टिकट सफर कर रही थी। एक बेचारी तो कई किलोमीटर घिसटती चली गई थी। उनकी लाशें इस हालत में मिली थी कि पहचानना भी मुश्किल था। अब किसी ने मारा या ये खुदकुशी थी ये कोई नहीं जानता। इनसे घबरा कर हमने इंजन के साथ वाले डिब्बे में हनुमान जी का एक मंदिर बनाया है। हम में से बारी बारी कोई ना कोई जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है और रात भर कुछ भी हो हम इस डिब्बे के बाहर नहीं निकलते। हर रात इनका खौफ इस ट्रेन के साथ इन पटरियों पर दौड़ता है, पर अब कौन जान खतरे में डाले? आप तो समझ गए होंगे मैंने क्यों वापसी में आपको रात की ट्रेन लेने से मना किया था। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आते ही हम उतर गए। वापसी की रात की टिकटें कैंसिल करवा अगले दिन सुबह की करवाई और ऊपर वाले का नाम लेते हुए वहां से किसी तरह मॉडर्न कॉलेज पहुंचे। नफीसा का एडमिशन करा अब्बू और हम घर लौट आए और हमारी बहन वकालत पढ़ने लगी। गर्ल्स हॉस्टल था तो अब्बू भी निफ्राम हो लिए और अम्मी को समझा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, लड़की एकदम दुरुस्त जगह पर है। अम्मी अब्बू की हर बात पर ऐसे भरोसा करती थी जैसे फसल बारिश पर। अपनी आंखें मूंद अम्मी ने अल्लाह का शुक्र किया, रास्ता दिखाने की दुआ की और हमारी ओर देखकर बोली कि तुम्हारी बहन तो वकील बनेगी और तुम क्या बनोगे, आवारा? पता चला उसकी सारी उम्र तुम्हारी बेसिर पैर के मुकदमे लड़ते लड़ते बीत गई। आवारा गर्दी बंद करो मियाँ और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, 10वीं के पर्चे सर पर नाच रहे हैं।
और हम भी गुलटू सी गर्दन घुमाए, नजरें बचाते हुए किताबों की शेल्फ से धूल झाड़ने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।